उस वक्त हमने वीडियो बनाना शुरू की थी और मैं लूसन लेने गया था, उस वक्त मेरे पास जो है टोटल 5 अंडे यहाँ पे मौजूद थे। अब एक अंडा जो है मेरी मुर्गी ने और दे दिया है, और इसी तरीके से मैं आपको एक और चेंज हो चुका है। सर्दियाँ बिल्कुल समझे जा चुकी है, गर्मी के अंदर धूप के अंदर जब बकायदा तपिश हो चुकी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि तीतर जो हमारे हैं वो इस घास के अंदर कितने मज़े के साथ लेटे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, जबकि रैबिट्स जो हैं उन्होंने घास थोड़ी बहुत खा ली है। लूसन जो है बाकी थोड़ी देर में वो खुद खाना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 20 रुपए की ऐसी क्या चीज़ ला के अपने घर पे ही जो है इन अंडों की प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास 3 मुर्गियां हैं तो डेली बेसिस पे 3 अंडे, और अंडों का साइज़ आप देखें। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। वो नाज़रीन जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे चैनल शहर में गाँव का सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अंडों का साइज़ आप देख सकते हैं, ये अंडों का साइज़ अगर आप लेना चाहते हैं इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और वो चीज़ जो मैं 20 रुपये की लेकर हूँ आप भी अपनी मुर्गियों को ज़रूर। दोस्तों आज बच्चा पार्टी की छुट्टी है, ये आप देख सकते हैं बच्चे टीम के साथ जो है अभी हम फार्म पर आए हैं, और ऊपर आके फार्म पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं वो सरप्राइज मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं फार्म के अंदर। दोस्तों ये हमारे फैंसी बर्ड्स हैं जो कि सबके सब इन्फेक्टेड हुए हैं, तो इन सबको हमने अलग किया हुआ है और इनकी ट्रीटमेंट यहीं पर ही चल रही है। इन्हें खांसी नज़र जुकाम का थोड़ा सा मसला है, और जो बर्ड्स हमारे बिल्कुल ओके हैं हमने उन्हें अलग से छोड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन बफ है हमारे पास, गोल्डन हैवी बफ। इनका साइज़ आप देखें माशाल्लाह से, साइज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखो साइज माशाल्लाह से इनका देखें कितना बड़ा हो चुका है। अच्छा दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है आपको चंद ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए जिन्हें देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास सिंधी मुर्गे जो हमने अभी मंगाई थी अपनी, ये उनके अंडे हैं, और ये मुर्गियाँ जो हैं अपने अंडे जमा कर रही हैं इस वक्त, और इनके अंडे मैं उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि इस मुर्गी को हमने जो है यहीं पर इसी अंडों पर बिठाना है। अच्छा दूसरी मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अंडों की प्रोडक्शन हमने 5 दिन के अंदर की है। 5 दिन के अंदर हमें टोटल 5 अंडे इस वक्त तक मिल चुके हैं। इसी के साथ ही जो हमारे पास जो हमारी अपनी असील मुर्गियां हैं मैं उनका नज़ारा आपको। दोस्तों ये हमारी असील मुर्गियों का पिंजरा, ये आप देख सकते हैं कि हर सुबह हमारे पास ये देख सकते हैं असील मुर्गियां 3 हैं, तो 3 डेली बेसिस पे हमें अंडे मिल रहे होते हैं। ये 3 असील मुर्गियां और एक मुर्गा है, और ये उनके 3 अंडे हैं जो डेली बेसिस पे हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास जो हमने लोमन ब्राउन मंगवाई थी, मैं आपको लोमन ब्राउन भी दिखाता हूँ। ये हमारी लोमन ब्राउन मुर्गियाँ हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अंडा नहीं दिया, तो ये भी इंशाल्लाह होपफुली थोड़ी देर में आधे घंटे के अंदर जो है मुझे 2 अंडे मिलेंगे। दोस्तों ये अंडों की प्रोडक्शन मैं किस तरह ले रहा हूँ, जस्ट मैं 20 रुपये का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 20 रुपये के इस्तेमाल से समझे मुझे 2 अंडे लोमन ब्राउन के, और 3 अंडे जो है वो असील मुर्गियों के, और 1 अंडा जो है अपनी सिंधी मुर्गी का जो डेली बेसिस पे मिल रहा है। अब वो मैं 20 रुपये का क्या लेकर आता हूँ, चले चलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों असील मुर्गियों के अंडे का साइज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये तीनों के तीनों अंडे जो हैं माशाल्लाह से 50 से 55 ग्राम के दरमियान में हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की प्रोडक्शन है। मतलब डेली बेसिस पे हमें जो है इस तरह के 3 अंडे मिल रहे होते हैं, क्योंकि 3 मुर्गियां हमने इसके अंदर रखी हुई हैं, और सिंपली जस्ट 20 रुपये का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके बाद से मुझे ये रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। तो यही चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने घर में परिंदे, तोते, मुर्गियाँ, चिड़ियाँ जो भी रखी हुई और आप उनके अंडों की प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें जिसे दे के और जस्ट 20 रुपये इस्तेमाल करके आप भी अपने अंडों की प्रोडक्शन इस तरह बढ़ा सकते हैं। मैंने 5-6 दिन से ये फार्मूला यूज़ करना शुरू किया है, और 5-6 दिन से ही मुझे जो है अंडों की प्रोडक्शन में इजाफा मिल गया। नहीं तो यही मेरी मुर्गियां थी, 2 अंडे देती थी, 1 अंडा देती थी, 2 अंडे, इस तरीके से इनका मतलब एक ना एक मुर्गी का गैप आ रहा होता था, लेकिन माशाल्लाह से अब जो है कंटिन्यूसली 5 दिन से जो है मुझे 3 अंडों की एवरेज जो है वो डेली बेसिस। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी सील मुर्गियां माशाल्लाह से कितनी हेल्दी और एक्टिव है, और कितने ही मजे के साथ जो है पिंजरे के अंदर रह रही है। हालांकि काफी टाइम हो गया मैंने इन्हें खोला नहीं है, इसी पिंजरे के अंदर जो है हमें खाना पीना दे रहे हैं, इसी पिंजरे के अंदर जो है हमें पानी वगैरह दे देते हैं, इसी पिंजरे के अंदर जो है हमें मेडिसिन वगैरह दे रहे होते हैं ताकि ये हेल्दी और एक्टिव रहें। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आपके सामने मुर्गे की कंडीशन और मुर्गे की। दोस्तों सुबह सवेरे भैंसे जो हैं हमारी वो निकल जाती हैं नहर की साइड पर, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं यहीं पर ही। मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, सर्दियाँ बिल्कुल समझे जा चुकी है, गर्मी के अंदर धूप के अंदर जब बकायदा तपिश महसूस हो रही है, जिस वक्त हम धूप में बैठ रहे हैं तो हम कंटिन्यूसली बैठ नहीं पा रहे हैं, तो मौसम का काफ़ी असर हुआ है। बच्चों को आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, माओं के बगैर ये बच्चे इस वक्त बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी माएँ जो हैं वो नहर के ऊपर गई। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने चारे वाली शॉप पे, जहाँ से जो है हम अपनी मुर्गियों के लिए 20 रुपए की जो है वो लूसन लेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हो कि ये लूसन जो है ये कुतरी हुई है। आपको लूसन 2 किस्म की मिल रही होती है, एक आपको सीधी लूसन जो होती है जो फसल से तोड़ के ला रहे होते हैं
वो मिल रही होती है, और एक मिलती है आपको कुतर फॉर्म में। तो कुतरी हुई जो लूसर्न होती है उसको मुर्गियाँ आसानी के साथ जो खा रही होती हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है, तो जिसकी वजह से मैं जो हूँ ये कुतरी हुई लूसर्न जो है ये लेके जा रहा होता हूँ। ये 20 रुपये की मुझे इतनी मिल जाती है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 मुर्गियाँ आसानी के साथ खा रही होती हैं। ये देखें, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लूसर्न वो है जो मतलब बड़े फॉर्म में आ रही होती है। दोस्तों, तो ये है वो चीज़ जिसे लूसर्न कहा जाता है। इस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा आपको किसी भी घास वाली दुकान पे आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। यही लूसर्न जो है मैं अपने खरगोशों को भी अभी दूंगा। आप देख सकते हैं मेरा परिंदों का मास्टर की झलक से बना हुआ है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जो है मैंने रखे हुए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देखें, आपको तमाम मेरे परिंदों की जो है वो डिटेल मिल जाएगी। ये मैं अभी डालूंगा, डालते ही देखें ये खरगोश आना शुरू हो गए। तो इसी लूसर्न को जो है मैं अपने रैबिट्स को दे रहा होता हूँ। अभी थोड़ी देर में तीतर भी आप देखिएगा, वो भी आके से खाना शुरू हो जाएंगे। एक और रैबिट है वो देखें, ये भी आ गया। तो बड़े शौक के साथ जो है ये लूसर्न ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मुर्गियों को देंगे तो अंडों की प्रोडक्शन में आप बहुत ज़्यादा इजाफा देखेंगे। मुर्गियों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी इस वक्त, मैं जाके देखता हूँ, हो सकता है कि दोबारा से उन्होंने कोई अंडे वगैरह दे दिए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि तीतर जो हमारे हैं वो इस घास के अंदर कितने मज़े के साथ लेटे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, जबकि रैबिट्स जो हैं उन्होंने घास थोड़ी बहुत खा ली है। लूसर्न जो है बाकी थोड़ी देर में वो खुद खाना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा। लेकिन तीतरों के मज़े आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो इस मौसम के अंदर जो है अपने आप को थोड़ा सा गीला करें, क्योंकि ठंड बहुत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और इस वक्त जो है हल्का फुल्का पानी या नमी जो है बहुत अच्छी लग रही है इंसानों को भी और परिंदों को भी। तो वो आप देख सकते हैं आपके सामने, क्योंकि लूसर्न की जो मैं कुतर लेकर आऊँ ये थोड़ी सी गीली है, तो वो तीतरों को बहुत मज़ा दे रही है। ये आप देख सकते हैं कैसे मज़े के साथ जो है ये तीतर इस वक्त जो है अपने आप को, अपने परों को जो है इस लूसर्न के अंदर जो है सही तरीके से मिक्स कर रहा है, ताकि एक नमी को जो है वो एंजॉय कर सके। दोस्तों, हमारे चूजे जो है सबके इंतजार में है कि मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ। तो मैं अंदर जाता हूँ, इन चूजों को भी ये लूसर्न देता हूँ, और बाकी हमारी जितनी भी मुर्गियाँ हैं जो अंडे देने वाली हैं उन सबको मैं ये लूसर्न खिलाता हूँ। दोस्तों, लूसर्न जो है वो मैंने अपनी तमाम मुर्गियों को दे दिया है, और मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ। ये देखें, जिस वक्त हमने वीडियो बनाना शुरू की थी और मैं लूसर्न लेने गया था, उस वक्त मेरे पास जो है टोटल 5 अंडे यहाँ पे मौजूद थे। अब एक अंडा जो है मेरी मुर्गी ने और दे दिया है, और इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ अभी, कि जो हमारे पास असील मुर्गियाँ हमारी थी, ये देखें आप, इसके 3 अंडे मैंने उठा लिए थे, लेकिन अभी सिर्फ लूसर्न लेकर आया हूँ, उससे मैंने आके भी डालना ही शुरू किया है, तो हमें एक अंडा और नज़र आ गया है। तो कहने का मकसद ये है कि लूसर्न का इस्तेमाल आप अपनी मुर्गियों को ज़रूर करवाएं, और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये 20 रुपये की मैं लेकर आया हूँ, जो मैंने अपनी तमाम मुर्गियों को दी है, जिसके अंदर जो है मेरे फैंसी बर्ड्स आप देख लें वो भी इस वक्त लूसर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है बटेरे जो मेरे पास हैं वो भी इस वक्त लूसर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लोमन ब्राउन है जो कि मैंने कराची से मंगवाई थी। आप देखें ये भी कितने मज़े के साथ जो है वो लूसर्न को खा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर जो है मैंने आज आपको एक सीक्रेट ऐसा बताया जिसको मैंने खुद ट्राई किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं आपके सामने अंडों की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और सिर्फ 20 रुपये का खर्चा मैंने डेली बेसिस पर करना शुरू किया और मुझे ये रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल शहर में गाँव को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैंने इन अंडों को जो एक साइड पे कर दिया, ताकि सबके सब अंडे जो हैं वो एक साथ ही रहें।